आदरणीय मित्रों, गुरु घासीदास बाबा जी भारत के सबसे महान संतों और जन आंदोलनकारी समाज सुधारक में से एक हैं। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व किसी भी प्रमाण के मोहताज नहीं है। गुरु घासीदास जी ने अपने संदेश उपदेश छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया बोली भाषा में दिया। केवल इसलिए गुरु घासीदास जी को अन्य संतों महापुरुष की तुलना में ज़्यादा महत्व और आदर नहीं दिया जाता है। गुरु घासीदास जी को अनौपचारिक रूप से छोटे सिद्ध करने का एक कारण ये भी है कि उन्होंने अपने समय में व्यक्तित्व ब्राह्मणी कुर्तियों का विरोध किया और सामाजिक सुधार कार्य किया, जिसके कारण लाखों लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग कर सतनाम धर्म को स्वीकार कर लिया। यह बात रायपुर के GTR 1869 में लिखा गया है। गुरु घासीदास जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में सतनाम धर्म के पुनरुत्थान और स्थापना को तत्कालीन समय के धर्माचार्यों ने हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियों के रूप में देखा था, जबकि उनके पूर्व भी गुरु नानक देव जी, कबीर साहिब जी, रविदास जी, जगजीवन दास जी ने, उदादास जी ने समाज सुधार के लिए धार्मिक कर्मकांड और कुर्तियों का विरोध किया था। इसलिए गुरु घासीदास बाबा जी ने ऐसा कोई विरोधात्मक कार्य नहीं किया था जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हित में ना हो। लेकिन गुरु घासीदास बाबा जी ने किसी उच्च वर्ग के मार्गदर्शन के बिना वंशानुगत संस्कार और आत्मा प्रेरणा से सतनाम का ध्यान साधना करते हुए सतनाम धर्म का उपदेश दिया, इसलिए उन्हें एक धर्म विरोधी के रूप में दिखाया जाता है, बताया जाता है। उनके महान समाज सुधार कार्य को लिखा ही नहीं गया। गुरु घासीदास बाबा जी को सतनाम पंथ के उपदेशक बनाकर केवल सतनामी समाज तक सीमित कर दिया गया है, जबकि महापुरुषों और संतों के कार्यों किसी समुदाय अथवा जाति विशेष के लिए नहीं होता। उनका कार्य संपूर्ण मानव समाज के लिए होता है, पर दुर्भाग्य की बात है उन्हें केवल एक समुदाय का हितैषी घोषित कर दिया गया है। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बिलासपुर और जितने भी GTR और दस्तावेज लिखा गया है, सभी में गुरु घासीदास जी को किसी जाति अथवा समुदाय विशेष के उपदेशक के रूप में दिखाया गया है, ताकि गुरु घासीदास जी के कार्य और उपदेश को एक वर्ग समुदाय के लोगों के लिए सिद्ध किया जा सके। आज उन पक्षपाती लेखकों विचारकों के प्रणाम स्वरूप ही गुरु घासीदास बाबा जी को, जिन्होंने समस्त मानव जाति के लोगों के लिए कार्य किया, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता और सनातन विचार की रक्षा किया, उसे केवल सतनामी समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। गुरु घासीदास जी के सामाजिक सुधार कार्यों का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है, और आज भी लेखक और शोधकर्ता उनके सामाजिक सुधार कार्यों को लिखते ही नहीं। यह भारतीय समाज और संस्कृति के लिए दुर्भाग्य है, और लोग आज भी गुरु घासीदास जी से भेदभाव मानते हैं। उनके उपदेश संदेश को किसी जाति विशेष के लिए घोषित किया जाता है, जो आज भी जारी है। जो लोग गुरु घासीदास जी को सनातन धर्म संस्कृति विरोधी मानते थे अथवा आज भी मानते हैं, उनसे मेरा ये प्रश्न है, क्या गुरु घासीदास बाबा जी विदेशी थे? क्या गुरु घासीदास बाबा जी ने किसी धर्म का विरोध किया है? क्या गुरु घासीदास जी ने ध्यान साधना और योग विदेश से सीख के आए थे? क्या गुरु घासीदास जी ने ईसाई अथवा मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार किया था? क्या गुरु घासीदास जी ने किसी विदेशी अथवा भारतीय संस्कृति के विरोधी किसी व्यक्ति को गुरु बनाया था? क्या गुरु घासीदास जी ने किसी जाति अथवा धर्म की निंदा की है? क्या गुरु घासीदास जी ने भारत के संप्रभावत वर्ग का निंदा किया था? क्या गुरु घासीदास जी ने सतनाम धर्म के पुनरुत्थान करने के लिए सतनाम धर्म की नींव डाली व गलत और धर्म विरोधी हैं? क्या गुरु घासीदास जी के पूर्व भारत में किसी भारतीय ने सनातन धर्म के अलावा किसी धर्म पंथ मत की नींव नहीं डाली है? क्या गुरु घासीदास जी के अलावा किसी ने कभी वर्ण जाति व्यवस्था का कभी विरोध नहीं किया था? क्या गुरु घासीदास जी का महिलाओं के समानता और अधिकार के लिए आवाज़ उठाना गलत है? क्या टोनही प्रथा, जिनमें महिलाओं को प्रताड़ित और अपमानित किया जाता था, उसका गुरु घासीदास जी के द्वारा विरोध करना गलत था? क्या गुरु घासीदास जी के द्वारा व्यभिचारी का विरोध करना गलत था? क्या सती प्रथा, टोनही प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या गुरु घासीदास जी के द्वारा विरोध करना गलत था?
क्या गुरु घासीदास जी द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करना और किसानों के हक अधिकार के लिए एवं स्वामित्व के लिए लड़ना गलत था? क्या गुरु घासीदास जी का बलि प्रथा को बंद कराना और लोगों को मांसाहार कराने से मना करना धर्म विरुद्ध कार्य है? क्या गुरु घासीदास जी के द्वारा ईसाई मिशनरी के लिए ईसाई धर्म प्रचार को रोकना और छत्तीसगढ़ के जनता को सतनाम धर्म के लिए शिक्षा देना गलत है? क्या गुरु घासीदास जी का सत्य और अहिंसा का सतनाम उपदेश देना धर्म विरोधी है? क्या गुरु घासीदास बाबा जी और राजा गुरु बालक दास जी के नेतृत्व में सतनाम आंदोलन के लिए प्रभाव से गरीब किसान और मजदूरों को उनका हक स्वाभिमान संपत्ति दिलाना धर्म विरोधी कार्य था? क्या गुरु घासीदास जी के द्वारा मंदिर के स्थान पर लोगों को सार्वजनिक तालाब कुआं सड़क नहर बनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना आग्रह करना और सार्वजनिक व्यवस्था का आरंभ करना धर्म विरोधी था? क्या गुरु घासीदास जी के द्वारा सामूहिक भोजन भंडारा प्रथा के रूप आयोजित करना और भूखे को भोजन कराना और विभिन्न जाति धर्म के लोगों को एक साथ बैठाकर खाना खिलाना धर्म विरोधी था? आदरणीय भाइयों और बहनों, कोई भी संत महापुरुष किसी भी धर्म का विरोध कभी नहीं करते, बल्कि मानव समाज में व्यवस्थित कुर्तियों और बुराइयों का विरोध करते हैं जो ईश्वरीय कार्य हैं, क्योंकि सभी धर्मों में मानवता की रक्षा करना और सत्य की स्थापना का उपदेश दिया है। यही कार्य भारत भूमि के छत्तीसगढ़ में जन्मे गुरु घासीदास बाबा जी ने किया था, जिसका मानवता परक ज्ञान और उपदेशक छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों तक पहुँच गया था। लेकिन तत्कालिक समय के धर्माचार्य ने और सामंतवादी व्यवस्थाओं ने गुरु घासीदास जी को भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का विरोधी समझा और उनका दुष्प्रचार किया। जिस महापुरुष ने अपने संघर्ष और उपदेशों से जाति प्रथा का विनाश किया, उसे ही एक जाति विशेष से जोड़ कर बताया और लिखाया गया, क्योंकि जाति प्रथा का समर्थन और संरक्षण करने वाले लोग नहीं चाहते थे कि जाति व्यवस्था समाप्त हो। वे नहीं चाहते थे कि गुरु घासीदास बाबा जी संत अथवा महापुरुष के रूप से प्रतिष्ठित हो और स्थापित हो। लेकिन मैं आज आपको जनश्रुति अनुसार सुना हुआ गुरु घासीदास जी के एक महान कार्य के बारे में और उनके खिलाफ किए गए षड्यंत्र के बारे में बताऊंगा। तत्कालिक समय में जब गुरु घासीदास जी ने 1795 में सतनाम धर्म की नींव रखी, तब छत्तीसगढ़ में मराठी शासन सूबेदारी लागू था, जो 1818 में अंग्रेजों के द्वारा मराठों को परास्त करने के साथ दोनों के बीच अनुबंध के तहत अंग्रेजी शासन का सूत्रधार हुआ। सन 1858 में अंग्रेजों को शासन का पूरा अधिकार प्राप्त हुआ और 1864 से सेंट्रल प्रोविंस के निर्माण का आरंभ हुआ। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के अधीन काम आरंभ कर चुका था और ब्रिटिश सरकार का सबसे प्रमुख उद्देश्य था भारत को उपनिवेश बनाने के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। उन्होंने अपने प्राप्त किए प्रांतों के भीतर ईसाई धर्म के प्रचार और स्थापना के कार्य को सुनियोजित तरीके से किया। ये बात पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में है। भारतीय राजा आपस में युद्ध और सीमा विवाद में उलझे रहते थे और भारतीय समाज जाति धर्म के मकड़ जाल में उलझा रहता था। किसी ने अंग्रेजों के इस कूटनीति षड्यंत्र की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंग्रेज के अफसर इस बात को जानते थे। 1804 में अंग्रेजों और मिशनरियों द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज में एक मसौदा तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय रहवासियों के मुख्य धार्मिक मान्यताओं को हिंदू राष्ट्र की भाषा में रूपांतरित किया गया और बड़ी चालाकी से उसमें ईसाई मत विश्वास का मिश्रण किया गया, ताकि लोग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो। और सेरमपुर कलकत्ता में एक प्रेस की स्थापना किया गया, जहां हिंदुओं के शाब्दिक भाषा में आलेख और पुस्तक तैयार किया गया, जो हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं से मेल खाती थी, क्योंकि ईसाई मिशनरी का उपदेश और टारगेट हिंदू समाज था। उन्होंने हिंदू धर्म और धार्मिक भावनाओं को समझने के लिए धार्मिक ग्रंथों और क्रियाकलापों का अध्ययन किया और भारत के लोगों ने स्वयं को महान सिद्ध करते हुए भारतीय परंपराओं से उन्हें अवगत करा दिया, यह सोचकर कि यह हमारे महान धर्म से सीख रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था।
उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन हिंदू धर्म में व्यवस्थित कुरीतियों और सामाजिक असंतोष को जानने के लिए किया था, ताकि उनके विरोध मसौदे तैयार करके ईसाई धर्म को हिंदू धर्म संस्कृति से श्रेष्ठ बनाकर और बताकर प्रस्तुत कर सकें। और ऐसा ही हुआ और आज भी हो रहा है। लोग आज भी हिंदू धर्म और भारतीय संतों द्वारा उपदेशित पंथ मत का त्याग करके ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, क्योंकि ईसाई मिशनरियाँ ईसाई धर्म को बेहतर और नए क्लेवर में प्रस्तुत करने में सफल रहे। और आज भी हम जातिवाद और जातिगत दुर्भावनाओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं। यदि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी ने सतनाम धर्म आंदोलन का सूत्रपात नहीं किया होता, तो लाखों हजारों लोग जिन्होंने धार्मिक असंतोष और अन्याय उत्पीड़न के विरोध में सतनाम धर्म को स्वीकार किया, वह सभी ईसाई धर्म को स्वीकार करके ईसाई बन गए होते। जिस गुरु घासीदास जी ने लाखों लोगों को ईसाई धर्म परिवर्तन के प्रभाव से बचाया, भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रचार किया, योग और सात्विक मानवता परक धर्म दर्शन का उपदेश दिया, आज उन्हें गुरु घासीदास जी को हिंदू धर्म और संस्कृति का विरोधी मानना क्या हमारी पराजय नहीं है? क्या भारत में व्यक्ति को सम्मान जाति देख कर दिया जाना अनुचित है? जबकि कबीरदास जी ने कहा था, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आदरणीय साथियों, सतनाम धर्म तो भारत की अपनी धर्म संस्कृति है, जिसका उपदेशक नानक जी ने पंजाब प्रांत में, रामानंद और कबीरदास जी, रविदास जगजीवन दास जी ने उत्तर प्रदेश के प्रांत में, और छत्तीसगढ़ में सतखोजन दास जी ने छत्तीसगढ़ में उनके पूर्व के समय कर चुके थे। यह छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज का दुर्भाग्य है कि गुरु घासीदास जी के पूर्व किसी ने छत्तीसगढ़ के सतनामी को अपनी रचना में स्थान नहीं दिया। सतनामी समाज के प्राचीनता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वे टेराकोटा और मातृका का पूजन के वाहक हैं, जिसके बारे में रायपुर के एक पत्रिका में छपा था। छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज आज भी विवाह के अवसर पर मैन पूजा करते हैं, जो आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न जातियों के विवाह प्रथा में प्रचलित हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा जी के पूर्व से छत्तीसगढ़ में निवास करते आ रहे हैं। कतिपय कुछ विद्वानों के अनुसार सतनामी का नौरनाल से प्रवासित बताया जाता है, यह भी सत्य है, परंतु यह प्रवासन 1672 में हुआ था, जबकि सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में उसके पूर्व से मूल निवासी के रूप में रहते आ रहे हैं। तब सतनामी का मतलब कोई जाति नहीं था, बल्कि ऐसे व्यक्ति के संगठित समुदाय से था जो किसी भी जाति, धर्म और धर्म प्रतिष्ठित क्रियाकलापों को नहीं मानते थे। 1812 में ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किए गए विधायिका के अधिनियम प्रावधानों के तहत भारत में मिशनरियों को प्रोत्साहित किया जाने लगा और बहुत सी सोसाइटी की स्थापना किया गया था, जिसके माध्यम से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार किया जाता था। इसका प्रमुख कार्य था जातिवाद को बढ़ावा देना और हिंदू समाज के दुष्प्रथाओं का प्रचार करना और उसे ईसाई धर्म में निषिद्ध बताना और लोगों को ईसाई धर्म का उपदेश कराना तथा प्रलोभन देना। गुरु घासीदास ने अंग्रेजी सरकार के मंशा को भाप लिया था, क्योंकि जब वे रामत के दौरान जनता के बीच पहुँचते थे, तब दबे स्वर में उन्हें भारतीय समाज में हिंदू धर्म के प्रति असंतोष और ईसाई धर्म के प्रति आकर्षण का आभास होता था। शायद इसलिए गुरु घासीदास बाबा जी ने 1795 से 1799 तक समीप पवर्ती गांव के भ्रमण के पश्चात अनुभवों के आधार पर सन 1799 से छत्तीसगढ़ में रावटी प्रथा का शुभारंभ किया और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में रावटी लगाकर लोगों को सतनाम धर्म और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जोड़ा। फलस्वरूप लाखों लोगों ने सतनाम धर्म को स्वीकार किया और इस प्रकार गुरु घासीदास जी ने ईसाई धर्म को फैलने से रोका। गुरु घासीदास बाबा जी के विरुद्ध अंग्रेजों और दमनकारियों समंती ने क्या क्या षडयंत्र चलाया, उसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसी जानकारी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय सतनाम।